Yeah, the title is not clickbait and it actually happened with me. Welcome to a story time. Every time I make a story time video, I keep thinking that कितने time तक बनाऊंगी, but then something weird happens with me. ये बात है बस दो दिन पहले की. मैं गणपति पुड़े गई थी मेरे मॉम के साथ, and this was our first trip alone. It's literally like every time we go out, something or the other happens with us. So it starts with me almost being Geet from Jab We Met. Almost क्या, we were Geet from Jab We Met, both of us. We are about to miss that train. Probably 15 minute mein train chale jayega and we are at Bandra. Train comes from Dadar. Let's see what happens. Kuch bhi nahi bolna hai. Harbour se abhi bhi fast hai. Life mein 40 saal mein pehli baar. First time. My train was scheduled to come at Dadar station at 5:58 and I thought it was 6:58. तो मैं निकली पूरे एक घंटा लेट. बोरिवली से दादर पहुंचना इन 50 मिनट्स इज अ टास्क एंड सुबह के 5 बजे इतनी फास्ट ट्रेन नहीं होती. सो जब हम रिक्शा से स्टेशन जा रहे थे, दैट इज व्हेन आई वाज आस्किंग मॉम कि डैड इतना भड़के क्यों जब मैं निकली. बिकॉज व्हेन आई वाज अबाउट टू लीव, माय डैड केम फ्रॉम हिज रूम एंड ही इज लाइक जस्ट डोंट गो नाउ, मतलब अभी जाके कोई फायदा नहीं है. देन रिक्शा में बैठ के जब मैंने ट्रेन का टाइम देखा, I looked at my mom and I asked her कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं. She's like, you know, every time I ask you to leave early and you get angry at me. That is true. Like every time my mom asks me to hurry up and I can't hurry up, I do get angry at her. So she was like, it's your lesson to learn. So I was just like, okay, we are really very close to the Borivali station. Train is going to be the best option. तो हम गए टू द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म, विच इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 3. वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी है, लाइक जल्दी से कोई और प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है. एंड वहाँ पे सामने जो ट्रेन थी उसमें हम फटाफट चढ़ गए. बट वो ट्रेन निकलने वाली थी 8 मिनट बाद. बिकॉज बोरिवली इज़ द स्टार्टिंग स्टेशन, काफ़ी ट्रेन वहाँ पे आके रुक जाते हैं एंड देन दे लीव एट द टाइम दैट एट विच दे सपोज टू लीव. एंड फॉर दैट 8 मिनट्स आई वॉज जस्ट गोइंग फ्रैंटिक कि ये 8 मिनट्स आर गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ वेदर आई मेक इट ऑन द ट्रेन टू गणपति पुड़े और नॉट. एंड देन आई एम स्टिल गोइंग थ्रू एमिंडिकेटर. एमिंडिकेटर इज एन ऐप विच शोज यू द स्केड्यूल ऑफ द ट्रेन. मैंने देखा कि 5:13, 5 o'clock एंड 13 मिनट की जो ट्रेन है वो नाला सुपारा से आ रही है एंड इट्स अ सेमी फास्ट ट्रेन. मतलब बोरिवली टू अंधेरी इट विल बी स्लो, बट अंधेरी टू दादर इट्स गोइंग टू बी फास्ट. And that was reaching 4 minutes before the train that I was in. So हम भागे, हम वो ट्रेन से उतरे एंड हमारे पास लगेज था. सो आई टुक ऑल द लगेज, मॉम के पास सिर्फ एक हैंड बैग छोड़ा था एंड आई वॉज लाइक रन. सो वी रैन एंड द सेकेंड वी रीच द प्लेटफॉर्म दैट ट्रेन के, वो ट्रेन 3 मिनट जल्दी आया. सो 5:13 के बदले 5:10 को आ गया एंड देन वी गॉट ऑन दैट ट्रेन एंड दैट ट्रेन मेड अस रीच दादर एट 5:51 AM एंड आर ट्रेन लीव्स एट 5:58. सो द ओनली ट्रबल वॉज कि हमें वेस्टर्न से सेंट्रल रेलवे जाना था, तो उसके लिए ब्रिज वगैरह चढ़ना होता है एंड यू नीड टू नो द वे एंड आई डिड नॉट नो द वे. सो आई वॉज होपिंग कि कोई कूली मिल जाए, बट कोई भी कूली नहीं दिख रहे थे वो टाइम पर सुबह सुबह. सो वी वर जस्ट रनिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आर ओन वे. तभी पीछे से किसी ने बोला कि मैडम आपको कहाँ जाना है. बट द थिंग अबाउट हिम वॉज ही लुक्ड लाइक ही वॉज ड्रंक, बिकॉज उनका यूनिफॉर्म वॉज नॉट एग्जैक्टली लाइक अ कूली का यूनिफॉर्म. वो जिस तरीके से चल रहे थे, आई वॉज वरिड कि सुबह सुबह हम दोनों अकेले हैं, शुड आई टेक हिज हेल्प और नॉट. बट व्हेन आई टोल्ड हिम कि तेजस एक्सप्रेस इज माई ट्रेन, ही गियर्ड अप एंड दैट मेड मी कॉन्फिडेंट कि ही नोज कि मेरा ट्रेन निकलने वाला है. लाइक आई जस्ट टोल्ड हिम द ट्रेन का नाम और मैंने कुछ नहीं बताया. सो दैट मेड मी ट्रस्ट हिम दैट ओके ही नोज हिज वर्क, लेट्स जस्ट गो. एंड बिकॉज ऑफ दिस अंकल हम पहुँच गए स्टेशन में से, इधर ही आएगा हमारा ट्रेन. वी मेड इट इन टाइम, पहले एक ट्रेन आएगा इसके बाद हमारा आएगा. थैंक्स टू एवरी वन, द रिक्शा वाले भैया मिले, कूली भैया ने सामने से बुलाया. तो हम ट्रेन में बैठ गए, फाइनली वी डिड नॉट मिस द ट्रेन. कैसा लग रहा है आपको? हम टाइम पे पहुंच गए, टाइम पे हम बिफोर टाइम पहुंच गए. दैट वॉज द फर्स्ट लाइक डिजास्टर कि वी ऑलमोस्ट मिस्ड द ट्रेन एंड द ट्रिप वॉज गोइंग टू गेट कैंसल्ड इफ वी मिस दैट ट्रेन. देन हैपेंस द रूम की स्टीलिंग. सो हम पहुंच गए गणपतिपुरे, हमने चेक इन कर लिया, हम खाना खा के आ गए एंड देन शाम को वी लाइक लेट्स गो टू द बीच बिकॉज गणपतिपुरे का बीच इज़ ब्यूटिफुल.
these slides pe I have played a lot. Sara bachpan matlab ye slides pe nikala hua hai sara. Yeah, I'm first karne thode yoga. कैरी बैग ली एंड उसमें डाले मॉम के स्पेक्स, मॉम का फोन, मॉम का नैपकिन, एक शॉल एंड आवर रूम कीज. तो ये लेके हम निकले. हमने ये बैग ऑल द टाइम पकड़ के रखी थी बिकॉज वी न्यू कि इट्स नॉट द स्मार्टेस्ट थिंग टू जस्ट लीव योर बिलोंगिंग्स आउट देयर बिकॉज इवन दो भगवान का शहर है आजकल लिटरली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. सो वी आर ऑन द बीच नाउ एंड वी हैव केप्ट द बैग क्लोज टू अस फॉर 30 minutes. And this one time we are like, okay, we want to get in the water, so let's just leave our chappals and our bag near the stone and let's go in for the water for like 5 minutes. In that time our whole bag gets stolen. Matlab hamare chappal nahi gaye, wo pure ka pura bag hi ko chori karke le. Bag just got stolen from the beach. Humne bas 5 minute ke liye bag niche rakha tha aur usme bhi koi chori karke le gaya. And usme पैसे तो नहीं थे, पानी का बॉटल था, मॉम के चश्मे थे विच वर एक्चुअली एक्सपेंसिव एंड रूम चीज थी. तो हम जस्ट वांटेड रिसेप्शन टू सी क्या क्या कर सकते इसके बारे में. एंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर भगवान गेव मी दिस एनलाइटनमेंट. मैंने मॉम का फ़ोन निकाल लिया था वो बैग में से बिफोर दिस हैपेंड. केप्ट माई फोन एंड मॉम्स फोन इन आर हैंड एंड एवरीथिंग एल्स इन द बैग वॉज जस्ट गॉन. द आयरनी इज़ कि वहाँ पे दो फैमिलीज बैठे थे एंड वी आस्क्ड बोथ ऑफ देम दैट डिड यू सी एनीवन एंड दे वर लाइक नो. एंड आई कांट ऑफ नो हू स्टोल इट. देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 6 गाइज हु वाज कॉन्स्टेंटली जस्ट रोमिंग अराउंड अस एंड वी डिड फील अनकम्फर्टेबल बिकॉज ऑफ द वे दे वाज जस्ट लुकिंग अराउंड अस. बट दे डिड लीव आफ्टर अ वाइल एंड आई थिंक दे लेफ्ट बिकॉज दे गॉट वॉट दे वॉन्टेड. हमारे रूम कीज चले गए थे एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी फैंसी होटल वेर वी स्टे, इट्स वेरी सिंपल. तो वहाँ पर वो बस एक ताला देते हैं और उसकी चाबी देते हैं एंड वो चाबी पे होटल का नाम लिखा था एंड रूम नंबर लिखा था. सो दे कुड ईजिली हैव रन टू अर होटल रूम, ओपन द लॉक एंड स्टोलन वॉट एवर दे वॉन्टेड. माई कैमरा वॉज इन द रूम, माई लैपटॉप वॉज इन द रूम एंड ऑफकोर्स आई वॉलेट्स वर इन द रूम. सो द सेकेंड आई रियलाइज दिस इज हैपन आफ्टर आस्किंग पीपल अराउंड मॉम एंड आई रश टू द रिसॉर्ट. इट्स जस्ट अ 2 minute वॉक, लाइक दिस अ स्टेयर केस. आई आस्क्ड मॉम टू स्टे एट द रूम सो दैट वेन वी आर एट द रिसेप्शन गेटिंग दिस फिक्स तब भी आके वो लोग रूम खोल के चोरी ना कर जाए. सो मॉम वॉज वेटिंग एट द रूम एंड आई रैन टू द रिसेप्शन टू टेल दम दैट दिस इज हैपेंड एंड वी वॉन्ट अ न्यू लॉक और अ न्यू रूम इफ पॉसिबल बिकॉज वी डेंट वॉन्ट एनी वन टू नो कि हम दोनों यहाँ पे रह रहे हैं. वैन वी वर रनिंग बैक टू द रूम मैंने मेरा फ़ोन का कैमरा चालू रखा था, लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग चालू था बिकॉज जस्ट इन केस दे वर ऑलरेडी इन आर रूम एंड हमको देख के वो लोग भागने की ट्राई करेंगे उनका चेहरा कैप्चर हो जाएगा. सो आई कैन गेल एट देम एंड गिव देम अ थ्रेट कि इफ़ यू ट्राई टू रन अवे राइट नाउ आई विल सेंड दिस वीडियो टू द पुलिस. सो दैट वॉज माई प्लान. बट थैंकफुली वेन वी रीच्ड द रूम लुक्ड एज इट इज़, मतलब ताला तो वैसे ही था जिसे हम छोड़ के गए थे. देन आई वेंट द रिसेप्शन आई टोल्ड देम दैट दिस इज़ हैपेंड. तो उन्होंने बिना कुछ क्वेश्चंस किए दे वर वेरी कोऑपरेटिव. MTDC बिग थम्स अप टू यू फॉर हेल्पिंग अस आउट. डेट है कि ताला चेंज करके दिया है हमें सो दैट जिसने भी हमारा बैग चोरी किया वो चाबी से हमारा रूम नहीं खोल पाएंगे क्योंकि चाबी पे लिखा था हमारा रूम नंबर और होटल का नाम. थैंकफुली सारा सामान वैसे ही है जैसे हम छोड़ के गए थे. अभी फिलहाल तो कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है रूम में से. तो जिसने भी चोरी किया आई डोंट थिंक वो हमारे पहले पहुँच पाए. बट मॉम और मैं होप कर रहे कि दे लीव द बैग बैक वेयर दे टुक इट फ्रॉम क्योंकि देर वॉज नथिंग टू स्टील फ्रॉम इट. अंदर ना पैसे थे ना वॉलेट था, सिर्फ चश्मा था वो भी नंबर वाला, क्या करेगा कोई उसका. तो हम वापस वहीं रस्ते से जाएंगे देखने के लिए कि कोई रख गया है कि नहीं वापस. थैंकफुली एवरीथिंग इज ऑल राइट, वी आर ऑल राइट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. लेकिन मुझे नहीं लगता मैं रात को अच्छे से सो पाऊंगी क्योंकि मुझे टेंशन रहेगा कि कोई आएगा. बट दिस इज व्हाट हैपेंड. एवरी टाइम मॉम और मैं अकेले आता है
कुछ ना कुछ हमारे साथ हो ही जाता है लग रहा है। मम्मी भागी ना, मम्मी भाग रही है इंटरव्यू देने। सुबह से कुछ ना कुछ हुए जा रहा है, बॉलीवुड पिक्चर के अंदर जी रहे राइट। गुस्से आंखें ज्यादा बोल रही है शब्दों से, ऐसे गुस्से से देख रही है ना मेरे को मम्मी। मम्मी ने एक्चुअली बोला था कि बैग को और नजदीक रख, और मैंने बोला कि कोई नहीं लेके जाएगा, भगवान का विलेज है, इधर कौन चोरी करेगा। और चोरी करने के लिए कुछ था भी नहीं अंदर, फिर भी चोरी हो गया यार। मतलब ठीक है, आपको कुछ बोलना है? नहीं। कुछ तो बोल लो, भड़ास कैमरा पे निकाल लो, फिर मेरे पे नहीं निकलेगी। ताला चेंज ही कर दिया बिकॉज आई वॉज कंसर्न कि सेम ताला होगा तो अगर वो लोग आके खोल के कुछ कुछ भी कर दिया तो। रूम चेंज नहीं कर पाए बिकॉज द रिसोर्ट वॉज फुल्ली बुक्ड एंड देयर वॉज नो अदर रूम टू शिफ्ट अस इनटू, बट दे डिडंट चार्ज अस एक्स्ट्रा फॉर दैट, दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल। लेकिन हम लाइक आई कुडंट स्लीप दैट नाइट बिकॉज आई वॉज जस्ट अपसेट कि वाई स्टील। वेन वी वेंट फॉर डिनर आई हैड द नाइफ इन लाइक राइट इन फ्रंट इन माई बैग, एंड इवन वेन वी स्लेप्ट आई केप्ट इट नेक्स्ट टू मी बिकॉज देयर इज अ बालकनी इन एवरी रूम। तो If they figured out कि that's the balcony to our room and if they tried to come in from there, तो मैंने चाकू भी रेडी रखा था। प्लीज कैरी अ स्विस नाइफ और अ पेपर स्प्रे और एनी सेल्फ डिफेंस थिंग विथ यू वेर एवर यू गो। गुड पार्ट दैट हैपेंड वॉज वेन यू आर कमिंग बैक होम आई मेट दिस गॉर्जियस कपल हु द वाइफ रिकग्नाइज मी एंड शी इज लाइक आर यू हेली वेट बाय एनी चांस, एंड आई एम लाइक या बिकॉज आई वॉज लुकिंग शैटर्ड ओके, एंड लाइक आई वॉज लुकिंग वेरी वेरी मेसी एंड नॉट वेरी प्रेजेंटेबल। And then she told me that her husband and her have come to Ganpatipuri for the first time in their life watching our video. Like I made this one vlog a long time back and she came across it on YouTube, and watching that vlog she stayed in the same resort that I recommended, which is MTDC. They had a great great time, they loved it, and I put a caption that Ganpatipuri better than Goa, aisa ek catchy title dala tha, and she said your title was correct. And when she mentioned that title, that made me realize that she's actually watched it very carefully, and it warmed my heart ki yaar video dekh ke someone got so motivated to come there. My dad really scolds me for not mentioning the religious importance of the place, and they also didn't know the religious importance. So my mom was explaining to them ki Ganpatipuri is famous because wahan pe swayambhu idol hai. Swayambhu matlab jo khud se aaye hai, khud se prakat hue. Beautiful story behind the temple, and if you do the parikrama there's different body parts of Ganpati that have come up on its own. So at one mandir there's the head, at one mandir is the chest. So the main temple worships the chest, and somewhere I guess it's the hands, somewhere it's the legs. So thank you for coming up and talking to me. It was the best thing that happened on the trip. Also I had a great puja too. Good morning from a very Indian attire, kyunki abhi puja ka time hai. This is the reason why we come here every single year, ये particular पूजा करने जिसको अभिषेक बोलते हैं, and you compulsorily have to do it in a saree and in a proper attire, which is why I'm dressed like this at 6:50 in the morning. Need to do my hair, बाकी ये सब हो गया है, hair is also done. And ये मम्मा का outfit है. Back, and you might be confused कि गए तो कुछ और पहन के थे, आए हो कुछ और पहन के. And that's your hint. हमको outfits exchange करने पड़े थे. ये था बालकनी का व्यू और हम बालकनी में आए ही नहीं ये टाइम. तो आई वाज सेइंग कि हमको आउटफिट्स चेंज करने पड़े बिकॉज दैट काइंड ऑफ चनिया चोली विल नॉट बी ओके. साड़ी मतलब साड़ी ही चाहिए वट एवर एज यू आर, तो मेक श्योर यू ब्रिंग दैट, डू नॉट वेयर समथिंग लाइक दैट. आई एम ग्लैड दिस हैपेंड बिकॉज आई कैन नाउ टेल यू वॉट नॉट टू वेयर. ऐसा चनिया चोली नहीं चलेगा, फैंसी हो या सादा हो, तो साड़ी ज़रूर लेके आना इफ यू वांट टू द पूजा. एंड हमारा पूजा हो गया, बट यस दिस इज हाउ आर रूम कीज गॉट स्टोलन. द कंक्लूजन फ्रॉम दिस स्टोरी, एवरी टाइम आई डू अ स्टोरी टाइम आई ट्राई टू टेल यू व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस सो दैट दिस डजंट हैपन टू यू. सो द कंक्लूजन दैट वी हैव ड्रॉन फ्रॉम दिस स्टोरी टाइम इज टू ऑलवेज कैरी अ बैकपैक और अ बम बैग, मतलब वो जो बेल्ट बैग्स हैं ना जो भी बहुत फैशन में, they are better than these little carry bags because at least jo bhi hai wo mere body se attached hai all the time and it doesn't give the opportunity to someone to steal it. Let me know in the comment section below if aapka koi saman kabhi chori hua hai, if something was ever stolen from you, how it happened, where it happened, what was stolen, let us know down below so all of us can learn how to be more precautious. And if you enjoyed watching this story time, then that makes me very very happy, and I'll see you in the next video. Until then, goodbye.